करनाल की, जहां अतिरिक्त उपायुक्त एवं आरटीए सचिव मनीष यादव ने मंगलवार को लघु सचिवालय में आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक में उपस्थित अधिकारियों से कहा कि एक सप्ताह में कर देंगे यह कहने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल होकर टाइमलाइन में करना पड़ेगा, अन्यथा रोड सेफ्टी की मीटिंग औपचारिकता बनकर ही रह जाएगी। उन्होंने सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए लोक निर्माण विभाग और नगर निगम के अधिकारियों को कहा कि आगामी बैठक से पहले सभी कार्य पूरे हो जाने चाहिए और मीटिंग में भी पूरी तैयारी के साथ आए। शहर की पुरानी सब्जी मंडी में रेड़ी वालों द्वारा अतिक्रमण करने वाली समस्या पर आज फिर चर्चा बनी रही। एडीसी अनीश यादव ने निगम अधिकारियों से कहा कि वे इसका स्थायी हल करें ताकि लोगों को यहां अपने वाहन पार्क करने की सुविधा मिल सके। इसी प्रकार नगर निगम द्वारा शहर में जहां जहां भी प्लास्टिक निर्मित स्पीड ब्रेकर लगाए गए हैं वे तकनीकी रूप से ठीक नहीं है, उन्हें लगाना बंद करें और जहां टूटे हुए हैं उनको हटा दें। उन्होंने करनाल पुलिस और NHAI अंबाला के प्रतिनिधि को निर्देश दिए कि वे हाईवे पर बने फ्लाईओवर के नीचे जो वाहन गलत तरीके से पार्क किए जाते हैं उनके चलान करें, इससे दुर्घटनाएं हो जाती हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि सेक्टर 13-14 का टी पॉइंट जो हरियाणा नर्सिंग होम के निकट है वहां बनी स्लिप लेन के साथ आइलैंड को अब तक अतिक्रमण मुक्त नहीं करवाया गया है, नगर निगम इस पर सख्त एक्शन लेकर कार्रवाई करे। बैठक में नगर निगम के प्रतिनिधि ने बताया कि पिछली मीटिंग में निर्देश दिए गए थे कि शहर के पुराने कमेटी चौक के निकट एक पेट्रोल पंप के सामने अनाधिकृत कट को बंद किया जाना है, यह अब बंद कर दिया है। इसी प्रकार कमेटी चौक अस्पताल रोड, पुरानी सब्जी मंडी रोड पर स्थित कुछ मैन हॉल का लेवल ठीक नहीं था, नगर निगम की ओर से अब इनका लेवल ठीक कर दिया गया है, इससे यातायात में सुविधा हुई है। बता दें कि पिछली मीटिंग में ऐसे वाहनों के चलान करने के निर्देश दिए गए थे जो दुपहिया से जुगाड़ करके तिपहिया बनाकर उन पर कॉमर्शियल गतिविधि की जा रही है। करनाल पुलिस के प्रतिनिधि ने बताया कि जुलाई में ऐसे 13 वाहनों के चलान किए गए हैं और 6 वाहनों को इम्पाउंड किया गया है। इस पर एडीसी ने निर्देश दिए कि पुलिस विभाग ऐसे वाहनों के चलान ना करके उन्हें आरटीए कार्यालय में भेजे, वहीं इन्हें इम्पाउंड किया जाएगा। बैठक में सड़क सुरक्षा समिति के लगभग सभी गैर सरकारी सदस्य मौजूद रहे। तो इसमें काफ़ी एजेंडाज हमने डिस्कस करे, जो हमारे पेंडिंग इश्यूज थे, काफ़ी जो हमारे जो लाइन डिपार्टमेंट्स है जिसमें हमारे NHAI आते हैं, PWD आते हैं, फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आते हैं, उनके पेंडिंग एजेंडाज से काफ़ी कुछ काम हुआ भी है हमारे लास्ट मीटिंग के एजेंडाज में। जैसे कि हमारा जो पोर्ट हाउस है उसमें काफ़ी इन्होंने काम करा है कि उनकी भरत करी है ताकि हमारे एक्सीडेंट्स कम से कम हो पाए। कुछ हमारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इन्होंने अपनी प्लानिंग में उन चीज़ों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करी है, तो उसके रिजल्ट धीरे धीरे सामने आएंगे। तो किन विषयों पर मुख्यतः बात थी? तो मुख्यतः बात जनरली हमारे जो NH से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो काफ़ी पेंडिंग है। उसमें मुख्यतः बात ये है कि भाई यहाँ पे हमारे जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, ब्लैक स्पॉट्स वो होते हैं जहाँ पे निरंतर रूप से एक्सीडेंट्स होते रहते हैं और फैटल क्रैशेस होते हैं वहाँ पे, तो उनकी हम कैसे रेक्टिफिकेशन कर पाए उस पर मंथन हुआ। तो हमने 3-4 साइट्स हैं जो हमने प्रायोरिटी बेसिस पे उठाई है, जैसे आपका पक्का पुल हो गया, तो वहाँ पे हम कुछ कुछ कैसे एक्टिविटीज़ करें, जैसे स्पीड कामिंग मेजर्स लगाएं, तो वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी है कि उसको हम कैसे जल्द से जल्द इसको रेक्टिफाई करें। सर, शहर में जो आवारा पशुओं की जो भरमार है उस पर अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ स्मार्ट सिटी में? ये एक निरंतर एक्सरसाइज है। ये पहले हमारा जो करनाल सिटी था, यहाँ पे पूरे हमारे जो स्ट्रे कैटल्स थे वो सबको हमने जैसे गौशाला में भेजना था तो गौशाला में भेज दिया था। तो पहले इट वॉज डिक्लेयर स्ट्रे कैटल फ्री, पर अब ये चीज़ें एनफोर्समेंट का इशू हो जाता है। तो हमने जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उनके अधिकारी को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, तो इस पर आपको जल्दी कार्रवाई मिलेगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।